सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवन न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम की खबर के साथ। गुरुग्राम में फारूख नगर रोड पर सुल्तानपुर गांव के पास इनोवा कार और डंपर के बीच टक्कर हुई है। तो इस हादसे में इनोवा कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं। सारे लोगों की मदद से घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बता दें कि जानकारी के मुताबिक इनोवा कार में सवार लोग फारूख नगर से गुरुग्राम जा रहे थे और इस दौरान ये गाड़ी हादसाग्रस्त हुई है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस हादसे में किस तरह से परखच्चे दोनों ही वाहनों के यहाँ पर उड़े हैं। तो आप गुरुग्राम की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फारूख नगर से गुरुग्राम जा रही इनोवा कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो गुरुग्राम में फारूख नगर रोड पर सुल्तानपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है जहां पर इनोवा कार और डंपर के बीच ये जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में इनोवा कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हालांकि हादसे के पीछे वजह क्या है, किसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। और इसी बीच संवाददाता मनु मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनु, इनोवा कार और डंपर की टक्कर में हादसा हुआ है और हादसे के चलते 3 लोग घायल। बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है गुरुग्राम फरुखनगर रोड स्थित सुल्तानपुर गांव के पास की घटना है जहां सुबह कालियावास मोड़ पर अचानक एक डंपर और इनोवा कार में टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इनोवा कार में घायल 3 लोगों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में डंपर चालक की अभी तक कोई गलती नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनोवा कार और डंपर दोनों बिल्कुल सही जा रहे थे कि अचानक बीच में एक कार वाले ने कार को रोक दिया, जिससे बचने के लिए इनोवा ने दूसरी साइड में जैसे ही अपनी गाड़ी को काटा कि सामने से आते हुए डंपर से भिड़ंत हो गई थी। हालांकि वो गाड़ी चालक जो इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार है दोनों इस पूरी भिड़ंत के लिए, वो तो मौके से फरार हो गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत ही पहुंचकर बचाव राहत कार्य शुरू कर दिया था और 3 लोग जो इसमें ड्राइवर समेत 2 अन्य जो लोग 3 लोग हैं जख्मी हैं, इन सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अभी उनकी हालात काफी ऐसे लग रही है कि काफी लेकिन डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से तीनों को बचाया जा सके। जी तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें जहां पर फारूख नगर से गुरुग्राम जा रही इनोवा कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि यहां पर जो डंपर और इनोवा कार की टक्कर हुई है उसमें किस दोनों की ही गलती नहीं बताई जा रही है, बल्कि बीच में किसी कार के आ जाने के चलते ये हादसा हुआ है जो कि कार चालक अभी फरार बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो 3 लोग घायल हैं उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि इस हादसे में इनोवा कार में सवार 3 लोग घायल हुए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे मामले में जांच की जा रही है। और इसी बीच
बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनु मेहता जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। मनु, अब फिलहाल जो घायल है उन्हें तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है? जो कार चालक जिम्मेदार था जिसके चलते यह हादसा हुआ, क्या अभी तक उसका कुछ पता लग पाया है? देखिए, अभी तक उस कार चालक के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, गाड़ी के कुछ जो नंबर याद थे ड्राइवरों के द्वारा और थोड़े से कलर के आधार पर तो उसकी भी पहचान की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी लापरवाही ने आज तीन लोगों को काफी ऐसा उस हालात में पहुंचा दिया है जहां वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये टक्कर इतनी भयानक थी कि उस समय बहुत तेज आवाज हुई थी। हालांकि जिला प्रशासन बाद में इस मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि गुरुग्राम से काफी दूर रिमोट एरिया में आता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने काफी सराहनीय प्रयास करके तुरंत ही सहायता प्रदान की है, जिसके चलते अब वो लोग अस्पताल में एडमिट है। जी हाँ बिल्कुल मनु, जो घायल है उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? कोई हालत में अभी सुधार हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो उनकी हालत में काफी सुधार है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई जरूर कर रही है और डंपर चालक की भी तलाश कर रही है। हालांकि डंपर चालक डर की वजह से ये छोड़कर गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि उसकी भी कोई इसमें गलती नहीं थी, लेकिन उसने इसलिए छोड़ दिया कि कहीं लोग उसे ना आके मारना पीटना शुरू कर दे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द जो इस मामले में दोषी है उसकी तलाश भी शुरू कर चुकी है। जी बिल्कुल मनु, लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नियमों की अगर हम बात करते हैं, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश हो रही है, वक्त वक्त पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चूक, इस तरह की लापरवाही अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही दूसरों के लिए भी काफी दुखदायी साबित हो सकती है, ये शायद उसने नहीं सोचा था। और बीच सड़क पर आकर गाड़ी बैक करने लग गए थे, यदि वो चाहते तो ये देखकर कर सकते थे कि अचानक एकदम से बैक नहीं करनी चाहिए, पीछे से कोई वाहन आ रहा है कहीं उसके लिए दिक्कत ना हो सके या सामने से आने वाले वाहन में कोई दिक्कत ना हो सके। यदि वो इन छोटी सी बातों को ध्यान रखता तो आज ये इतना बड़ा हादसा ना होता, लेकिन हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से दूसरों की जान पर भी मन आ सकती है। ये सोचकर यदि हम अपना अपना सही चलाएं, सही ख्याल रखें, तो आज सभी लोग सुरक्षित सड़क पर चल सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनु जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही तीन लोगों पर भारी पड़ी है। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं लोगों पर सवाल खड़ा कर देते हैं कि जो ट्रैफिक नियम यहाँ पर बनाए गए हैं उन रूल का पालन यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन बजाय यहाँ पर रूल का पालन करते हुए इस तरह की लापरवाही और इस तरह की चूक करते हुए इस तरह के हादसे सामने आ जाते हैं। तो गुरुग्राम की तस्वीरें जहां पर इनोवा और डंपर में जबरदस्त टक्कर हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट